हे YouTube फैमिली, मैं हूँ अर्चना और मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पील ऑफ मास्क शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन में इंस्टेंटली ग्लो देगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपकी स्किन को बना देगा बिल्कुल ग्लास जैसी। तो गाइस, इस पील ऑफ मास्क को आप किसी भी पार्टी में या किसी भी ओकेजन पर आप यूज कर सकते हैं। ये आपको इंस्टेंटली ग्लो देगा और आपके फेस को बहुत अच्छा बना देगा। तो गाइज, इस पील ऑफ मास्क को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको पील ऑफ मास्क को घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो गाइज, चलिए देख लीजिए इस पील ऑफ मास्क को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस पील ऑफ मास्क को बनाने के लिए हमें एग चाहिए रहेगा। तो आपको एग को बाउल में निकाल लेना है। आपको हो सकता है फ्रेंड्स, किसी किसी को एग से प्रॉब्लम होती है, वो नहीं यूज करते हैं और इसमें स्मेल भी आती है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल यूज ना करें। तो हमको इस एग को एक बाउल में निकाल लेना है और जो येलो वाला भाग है ना, उसको भी हमको निकालना है। अब हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, आपको ये पील ऑफ मास्क इतना ही बनाना है जितना आपके फेस पर यूज हो जाए। तो ये हमने कर लिया, मैं इसको इतना नहीं लगेगा फेस पर, तो मैं इसको साइड में निकाल लेती हूँ। ये इतना ही मेरे फेस पर लगेगा। ये गाइस हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मुझे इतना लगेगा तो मैं इतना ही ले रही हूँ। अब आपको इसको क्या करना है, आपका फैब्रिक जो भी पील ऑफ मास्क है वो आप ले लीजिए। तो मैं ये ले रही हूँ, तो इसको मिक्स करना है। कोई सा भी जो आपका फैब्रिक पील ऑफ मास्क हो वो आपको ले लेना है और इसमें मिक्स कर लेना है। ये हमारे फेस पर इंस्टेंटली ग्लो लेके आता है और हमारे जो दाग धब्बे होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो फैब्रिक जो भी है, मैं जो जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो अब आपको इसको क्या करना है, मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर ले। तो गाइस, ये हमारा एक पील ऑफ मास्क बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पील ऑफ मास्क बनके तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। आपको अप्लाई करने से पहले आपको फेस को अच्छे से रिमूव कर लेना है, जो भी मेकअप वगैरह हो वो रिमूव कर लो। आप इस पील ऑफ मास्क को जरूर ट्राई करके देखिए, ये आपको बहुत अच्छा ग्लो देगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। अब मैं इसको अप्लाई करूंगी। आप चाहे तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आप जब ये मास्क ऐड करते हो तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आती। अगर आप ऐसे एग को आप फेस पे अप्लाई करते हो तो स्मेल बहुत आएगी। आपको नेक पर भी अप्लाई करना है और आपके आईब्रोज वगैरह पे ना रहे, क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है। तो गाइस, मेरा पील ऑफ मास्क पूरा लग गया है, देख सकते हैं। आपको नेक पर भी अप्लाई करना है, याद मतलब ध्यान रहे कि आपको इस आईब्रोज वगैरह आपके हेयर से ना वो हो टच। तो गाइस, इस पील ऑफ मास्क को आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार तो जरूर यूज करना है, या आप किसी भी ओकेजन पे जा रहे हैं तो आप जब इसको यूज कर लीजिए। तो गाइस, ये अब हम इसका सूखने तक वेट करेंगे 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ, इसको रिमूव करके दिखाऊंगी। तो गाइस, हमारा ये बहुत ड्राई हो गया है, अब हम इसको रिमूव करते हैं। ये 20-25 मिनट लग गए, इसको ज्यादा ही टाइम ले लिया। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये थोड़ा सा
रिमूव करना थोड़ा सा टफ होगा, बट हो जाएगा आसानी से। इसको रिमूव करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ये धीरे धीरे रिमूव होगा। तो गाइस ये निकल गया है पूरा, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लेके करिए। और ये थोड़ा स्लो स्लो पील होता है। तो गाइस मेरा पील हो गया है, अब मैं इसको अच्छे से फेस वॉश करके आती हूँ। तो गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया है और मेरी स्किन मुझे फ्रेश फ्रेश लग रही है और मुझे बहुत ग्लो भी दिख रहा है। आप लोग भी इस पील ऑफ मार्क्स को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा पील ऑफ मार्क्स है। आप किसी भी ओकेजन पे इसको करिए और इंस्टेंटली आपको देखेंगे ग्लो दिखेगा आपको आपकी स्किन में। और इसको आप हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा पील ऑफ मार्क्स है, ये आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा है। और गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्प लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो रहे वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।